शिबू सोरेन के छोटे बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने उम्मीद जताई है कि झारखंड की नई सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा करने का हर मुमकिन कोशिश करेगी। बसंत सोरेन से बात की संवाददाता शाहनवाज इदरीसी ने। सोरेन के सुपुत्र बसंत सोरेन जी, बसंत जी काफी लंबी लड़ाई रही, बहुत लंबा संघर्ष रहा, उसके बाद ये दिन आया। आपको लगता है जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार कितनी तत्पर नजर आएगी? देखिए, काफी संघर्ष के बाद स्वाभाविक तौर पर आज जो गुरुजी का सपना था आज साकार होने का मौका मिला, और जो गुरुजी का हमेशा से ही झारखंड के प्रति जो सोच थी जल जंगल जमीन, हम लोग उसी पे पहले भी काम करते रहे। 14 महीने के सरकार में भी हम लोगों ने, हेमंत जी ने उन्हीं चीजों को लेकर के आगे बढ़ने का काम किया है, और अभी उनके साथ कई चीजों को लेकर के आगे बढ़ने का काम हम लोग करेंगे। चूंकि आप शिबू सोरेन के सुपुत्र हैं और काफी आशीर्वाद भी आपको है उनको प्राप्त, काफी लाड प्यार भी है आपका, सरकार में किस तरह की भागीदारी, किस तरह की हिस्सेदारी और किस तरह का रोल बसंत सोरेन का रहेगा? देखिए, सबकी भूमिकाएं हैं इसमें रहेंगी, बसंत सोरेन की ही नहीं। जिस तरीके से लोगों ने अपना मत दिया है, जो सोच के साथ अपना मत दिया है, वही अपेक्षा हेमंत जी भी कर रहे हैं कि जो जिस अपेक्षा के लिए लोगों ने उनसे उम्मीद जताई है, वो उम्मीदें पूरी हों और पूरी होंगी। वो कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में ये बताने की जरूरत है कि विपक्ष, न सिर्फ झारखंड का विपक्ष बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का विपक्ष एक है। एक मैसेज झारखंड में पहली बार ऐसा होगा कि झारखंड की धरती से राष्ट्र को मैसेज देने की कोशिश है, कितना बड़ा दिन है? बहुत बड़ा दिन है, सही बात आपने कहा, और काफी उत्साहित दिन है। बसंत सोरेन की सरकार में भागीदारी और हिस्सेदारी रहेगी, बल्कि संपूर्ण झारखंड की एक एक जनता की मदद से ही ये सरकार को चलाया जाएगा और विकास का जो रास्ता है उसको हमवार किया जाएगा। कैमरामैन रिंकू के साथ शाहनवाज, न्यूज 11 भारत, रांची।